हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जेएनएम नर्सिंग कोर्स की पूरी जानकारी के बारे में, डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इनसे पहले अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेएनएम का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। हिंदी में बोले तो सामान्य पोषण एवं दाई, इसका हिंदी में मीनिंग होता है। और फिर बात करते हैं कि जेएनएम नर्सिंग कोर्स को कौन कर सकता है, तो इनको बॉयज़ या गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। और इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि वो किसी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से 10th और 12th किया हुआ होना चाहिए, और 10th और 12th में कम से कम 40-50% जरूरी है, जो कैटेगरी वाइज वेरी करता है। और फिर बात करते हैं कि इस कोर्स करने के लिए क्या एज होनी चाहिए, तो इनके लिए लोअर एज लिमिट 17 और मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल होनी ज़रूरी है, और 35 साल से ऊपर व्यक्ति ये कोर्स नहीं कर सकता। और फिर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इनके लिए कैंडिडेट को 12th में पीसीबी होना ज़रूरी है, मींस साइंस स्ट्रीम से होना ज़रूरी है। और इनके साथ साथ क्या कॉमर्स और आर्ट्स वाले भी ये कोर्स कर सकते हैं, तो जी हाँ, आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी ये कोर्स कर सकते हैं, चाहे स्टूडेंट साइंस आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम से हो। बट उनके लिए एक शर्त है कि उनको 12th में इंग्लिश होना बहुत ज़रूरी कंपलसरी है। फिर बात करें कि जेएनएम कोर्स को करें तो कैसे करें, तो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में जेएनएम एडमिशन प्रोसेस डायरेक्ट होती है, मींस 12th और 10th की जो परसेंटाइल होती है उनके बेसिस पर उनकी एक मेरिट लिस्ट निकलती है, और जो मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट आते हैं उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। बट कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट और एप्टीट्यूड इंस्टीट्यूट में स्क्रीन टेस्ट और इंटरव्यू के प्रोसेस पर भी आजकल होता है, जिसमें से कुछ पॉपुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम की लिस्ट हैं, जिसमें एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, BHU नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, PGIMR नर्सिंग, IGNOU, MGMCET नर्सिंग, RUSH नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। फिर बात करते हैं जेएनएम नर्सिंग कोर्स करने के बाद हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन रहते हैं, जैसे स्टाफ नर्स, क्लिनिक नर्स, नर्सिंग ट्यूटर, होम केयर नर्स, कम्युनिटी हेल्थ केयर नर्सिंग, फिजिशियन अटेंडेंट, फॉरेंसिक नर्स, ICU नर्स, जूनियर नर्स, ट्रेवल नर्स। और रूरल एरिया में जैसे रूरल हेल्थ सेंटर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में NGO, ओल्ड हेल्थ एज होम्स, नर्सिंग होम्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइवेट हॉस्पिटल में ड्यूटी दे सकते हैं। फिर बात करें कि जेएनएम नर्सिंग कोर्स करने के लिए टोटल हमारे पास कितना खर्चा आता है, तो देखिए यह गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में डिफरेंस होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शायद 30,000 से स्टार्ट होती है और 30 से 50,000 के बीच में होती है, बट यह प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 से 2.5 लाख के समथिंग हो सकती है। फिर हम बात करते हैं कि एक जेएनएम कोर्स किया हुआ व्यक्ति की स्टार्टिंग सैलरी और उसके एक्सपीरियंस के आधार पर सैलरी कितनी होती है, तो देखिए भारत में एक फ्रेशर नर्स की एनुअल सैलरी 2.5 से 3.5 लाख तक हो सकती है, जबकि एक ज़्यादा एक्सपीरियंस नर्स की 7.5 लाख से 8.5 लाख रुपये पर ईयर तक हो सकती है। और ये एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा उतनी सैलरी आप अर्न करेंगे, और ये सैलरी कई फैक्टर पर डिपेंड करती है, जैसे उसके वर्क पर, उसके एक्सपीरियंस पर, उसके फील्ड पर, एजुकेशन प्लेस और उसके प्रोफाइल पर डिपेंड करती है, जो अलग अलग होती है। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए, और इसी प्रकार की आपको वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि जल्दी से जल्दी इस प्रकार की और वीडियो आप तक पहुँचे।